दुनिया भर में नए साल 2023 का आगाज हो चुका है। भारत समेत दुनिया के कई देशों में लोग नए साल का स्वागत कर रहे हैं। हर साल की तरह इस साल भी नए साल की शुरुआत हर तरफ खुशी बिखेरते हुए मदर टेरेसा मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट की शानदार मैच से 2023 के नए साल की शुरुआत की संडी क्लब हिम्मत वेलफेयर फाउंडेशन के नेतृत्व में शानदार फुटबॉल टूर्नामेंट प्रोग्राम का आयोजन किया गया। पिछले कई 8 साल से ये समाज में युवा पीढ़ी को स्पोर्ट्स की तरफ आमंत्रित कर रहे हैं। हर साल अलग अलग जगहों से नए नए क्लब संडी क्लब हिम्मत वेलफेयर फाउंडेशन की तरफ आकर्षित होते हैं और अपने खेल प्रदर्शन से एक से बढ़कर एक उपहार ले जाते हैं। इस अवसर पर कोलकाता के बॉबी हकीम चेयरपर्सन बोरो 9 74 नंबर वार्ड की काउंसिलर देबोलिना विश्वास तृणमूल कांग्रेस पार्टी वार्ड नंबर 74 की ब्लॉक प्रेसिडेंट विप्लव मित्रा अयान मित्रा परवेज खान नसीम अली मोहम्मद आबिद महबूब अहमद तृणमूल कांग्रेस पार्टी माइनॉरिटी सेल के मोहम्मद खालिद और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित हुए। इनको मुबारकबाद देना चाहते हैं कि आज इस टाइम पे बच्चों के साथ एक टूर्नामेंट करा के इनका दिल को जीतना खुशी देना यही सबसे बड़ा मैसेज है। कोई भी धर्म फाउंडेशन चलाने वाले लोग कोई धर्म और रंग ये नहीं देखते हैं। ये ना हिंदू देखते हैं ना मुस्लिम देखते हैं ना क्रिश्चियन देखते हैं। सिर्फ जो इंसान है इंसान का काम करते हैं। सबसे बड़ा मजहब वही है। इंशाल्लाह मैं इलियास साहब को जो यहाँ का जनरल सेक्रेटरी हैं मैं उनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि वो जब याद करेंगे जिस वक्त याद करेंगे रात को 12 बजे भी तो मैं हाजिर रहूँगा। तो ऐसा दिन हम लोग शुरुआत किए हैं जो साल का नया दिन होता है और ये शुरुआत इंशाल्लाह इतना अच्छा हुआ है कि आप देखिए आने वाला दिन में हम सिर्फ TMC रहेगा दूसरा कोई यहाँ आएगा ही नहीं। संडे क्लब और हिम्मत वेलफेयर फाउंडेशन जो आज जिस तरह से काम कर रही है ये काबिले तारीफ है। और 31 दिसंबर को ये प्रोग्राम रखा गया है। कल से नया साल आ रहा है और बच्चों के कैसे नौजवान बच्चे अपने इलाके में टूर्नामेंट के जरिया फुटबॉल खेल के आगे लेवल में जाएं ये इनका सोच है। मैं इससे बहुत खुश हूं। और मोहम्मद इलियास साहब जनरल सेक्रेटरी हैं, मोहम्मद असलम गोरा भाई इस टीम में, मोहम्मद आबिद समीम असलम बॉबी भाई अख्तर भाई राजा वर्सी कमरान भाई शब्बीर अली अभी थोड़ा देर पहले पाम एवेन्यू और अलीपुर रोज का खड़ा हुआ और यहाँ पर उपस्थित थे मिस्टर विप्लव मित्रा जो 74 नंबर ब्लॉक के प्रेसिडेंट थे और उनको साहबजादे आयोन मित्रा जो 74 नंबर ब्लॉक के यूथ प्रेसिडेंट थे और मेयर भी हमारे जो जनाब फिराज हकीम साहब ऑनरेबल मेयर भी यहाँ पर तशरीफ रखे थे। मैं सभी लोग को धन्यवाद और मुबारकबाद देता हूँ करता हूँ कि जैसे हमारा सरकार चल रहा है आने वाला दिन में वैसे ही खुशी से चले दुश्मन के बद नज़र से बचे। आपको इस चैनल के व्यूवर्स को यही कहना चाहता हूँ कि मैंने आपका जो चैनल से जो माध्यम से दिखाया जाता है सच्चाई उस सच्चाई को आप लोग दिखाते रहिए। और इंसान का सबसे बड़ा बात है कि जो भी काम जो कर रहा है आज गोदी मीडिया जैसे काम कर रहा है बिका हुआ है तो आप लोग ही जो हैं आज देश को बचा के रखे देश का भविष्य आप ही लोग हैं। मैं उनको मुबारकबाद देना चाहूँगा कि आप लोग सच्चाई को दिखा रहे थे ये बहुत बड़ी बात है। टूर्नामेंट के बारे में मुझे ये कहना है सबसे पहले कि मैं 31st की नाइट और आने वाली साल की नई 2023 की मैं तहे दिल से सारे लोगों को मुबारकबाद देता हूँ अपने संडे क्लब और हिम्मत सोशल वेलफेयर के जानिब से। तो ये पहला साल हमारा ये 8 साल से आपका संडे क्लब ये प्रोग्राम कर रहा मैंने इनको हर साल सपोर्ट किया है। ये साल मैं बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लिया इसलिए कि मैं हमारा फाउंडेशन रजिस्ट्रेशन हो चुका है और मैं ट्रस्टी हूँ ट्रस्ट चलाता हूँ तो मैंने बड़ा करके प्रोग्राम किया और आगे भी बड़ा करना चाहता हूँ ताकि इसमें खिदमत खल्क न्यू जनरेशन जो है बच्चे लोग इधर उधर भटक करके ना इकट्ठे होकर के इस टूर्नामेंट के ज़रिए यह प्रोग्राम को चार चांद लगाए और इंटरटेनमेंट को ताजगी को जिंदा रखे ये कहना हमारा ये हमारा फाला स्पोर्ट की तरफ में हमारा लुकता है। इसके बाद
सोशल एक्टिविटी में जितने भी आते हैं, वो एजुकेशन हो या ओल्ड ये हो, जितने भी सारे हैं, सब पे हम लोग फोकस दे रहे हैं और काम करेंगे हम लोग सब पे। और ये शुरुआत है, आगे आप लोग का साथ रहा, लोगों का साथ रहा तो हम लोग काम करेंगे। काम करने का मौका हम लोग को लोग ने दे रहे हैं और हम लोग ग्राउंड लेवल पे, ज़मीनी सतह पे हम लोग काम करेंगे कि ऐसा मुल्क है जो हमारे प्लेयर को, यहाँ के प्लेयर को मैं अव्वल नंबर दूंगा। ये अपना सोच है, हमारा मुल्क का जो प्लेयर है, क्रिकेट टूर्नामेंट कराते हम लोग हैं, लेकिन इस तरह से हम लोग कभी नहीं सोचे कि इतना बड़े पैमाने से कराएं। छोटा मोटा ट्रॉफी रख दिया, छोटा मोटा कप रख दिया, उस पर हमने करा लिया। अगर ये ख्वाहिश रही और ये फाउंडेशन हम लोग दोनों मिल के एक साथ रहें तो आगे चल के हम लोग कराएंगे क्रिकेट टूर्नामेंट भी। मैं उसके जैसा प्लेयर हमारे ख्याल से शायद वो दुनिया में दूसरा कोई ना हो, प्लेयर साहब की तरह। उसके लिए मैं एक सेकेंड के लिए उनको खराज अकीदत पेश करना चाहता हूँ और उनके लिए दुआ करता हूँ कि उनके हिसाब से उनको ऊपर वाला उन्हें जन्नत तौफीक अता फरमाए। कब कतर में जो हुआ तो उसके नक्शे कदम पर जाए और प्लेयर पैदा हो उसके तरह। ये हम लोग का दिली ख्वाहिश है, सोच हम लोग का, ये कराने का मकसद भी हम लोग का यही है। जी हम इधर ही के हैं, हम मेरा घर भी इसे 100 मीटर दूर का है, तो हम देखते आते हुए कि हर एक साल में इलियास भाई एवं हिम्मत वेलफेयर फाउंडेशन की तरफ से कुछ ना कुछ किया जाता है। और 31 का रात में इतना सुंदर जो छोटा जगह में आयोजन किया गया है, तो इलियास भाई को शुक्र गुजार है कि सबको लेके एक साथ ही, जैसा मतलब फुटबॉल बोलिए, क्रिकेट बोलिए, कोई भी मतलब प्रोग्राम बोलिए, कोई भी खेल बोलिए, सब में आगे रहते हैं कि इलियास भाई आगे चलिए, हम लोग आपके साथ है। देखिए हम लोग के ऊपर सबसे बैठे वो है ममता बनर्जी, और एक जो है हम लोग जिसको मानते हैं, हम लोग यूथ आइकॉन जो है वो है अभिषेक बनर्जी। हम लोग अभिषेक बनर्जी के जैसे पद दिखाते हैं वैसे ही हम लोग चलते हैं। तो कल ही फाइनल हुआ है, कल आप लोग देखें कि कितने अच्छे से हम लोग सब एक साथ उधर पे, ना कोई हिंदू देखा गया था, ना कोई मुस्लिम देखा गया था, हम लोग बंगाल में सब एक साथ रहते हैं। दादा वही चेष्टा करते हैं कि हर एक साल हम लोग एक साथ सब रहे, इसीलिए हम लोग खेल में रहते हैं। दीदी तो बोली दी कि खेला होबे, तो खेला तो होते ही थकबे। हम लोग 16 अगस्त को हम लोग दीदी खेला दिवस हमें ये किया है, ठीक है। हम लोग हर 16 अगस्त को हम लोग खेला दिवस पालन करते हैं गोपाल नगर में, रूप दिया है। इसी तरह लाइट देख रहे हैं, पानी देख रहे हैं, सब उन्हीं का दिया हुआ है, तो उसके लिए कल हम लोग के लिए बहुत बड़ा दिन है। जैसे नया साल है वैसे हम लोग के लिए ये पूरा नया साल ही है कि हम लोग नया साल में कुछ नया उपहार देंगे हम लोग के दादा को। कल के सभी व्यूअर्स को बोलना चाहते हैं कि हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस, सब अच्छे से रहिए, सब खुशी से रहिए, और आगे वाले दिल में एक ही चाहत है हम लोग है कि हम लोग की दीदी प्रधानमंत्री बने। क्लब हिम्मत वेलफेयर को मैं धन्यवाद शुक्रिया अदा करता हूँ और तमाम कमेटी को मैं सलाम करता हूँ कि 31 के दिन इतने बड़े प्रोग्राम वो करते हैं और सब मिलजुल के हम लोग पार्टिसिपेट अलीपुर बस्ती में करते हैं। टीम है और 3 सेट करके है, वो आपका जो जीतेंगे सेमीफाइनल, इसके बाद फाइनल। तो अल्लाह का शुक्र गुजार है कि पोमा मीनू जीत रहे हैं और हाँ, इस क्लब का भी नाम उस जगह में जा रहा है पाक सर्कस तक। मेरा नाम है मोहम्मद जिशान, फार्म स्पोर्टिंग क्लब। कितने सालों से यहाँ पर टूर्नामेंट खेल रहे हैं? हम लोग तो यहाँ से 6 साल से खेल रहे हैं। 6 साल में कितनी बार से विनर? हम लोग यहाँ पे एनी टाइम विनर होके जाते हैं। 6 साल से जी टोटली जी, हर साल ट्रॉफी फार्म के लिए जी जी जी। क्या कहना है, यहाँ जो ऑर्गेनाइज किया जाता है संडे क्लब और हिम्मत वेलफेयर सोसाइटी जो ऑर्गेनाइज करता है 31st टूर्नामेंट जी, इसके लिए क्या कहना है? बहुत ही अच्छा लगता है, इन लोग करवाते हैं, हम लोग को भी बहुत खुशी होता है खेलकर यहाँ पे, इसलिए हर साल खेलने के लिए आते हैं यहाँ पे। बहुत अच्छा व्यवहार रहता है, हर चीज़ में अच्छा करते हैं हम लोग। देखिए ये तो मैच है, किसी का भी वक्त में जा सकता है, ये खेला का ऊपर बात है, जो अच्छा खेलेगा वही जा सकता है। देखिए गेम में कोई किसी का बोल नहीं सकता है, जो अच्छा खेल सकता है वही बोल सकता है कि कैसा खेला होगा। मोहम्मद अफ्ताब, क्या नाम है आपका क्लब? अलीपुर रोज यूनाइटेड क्लब। अच्छा, यहाँ पर संडे क्लब और हिम्मत वेलफेयर फाउंडेशन की तरफ से हर साल यहाँ टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया जाता है, हर साल होता है। तो आप क्या हर साल खेलते हैं? हाँ। अच्छा, कैसा लगता है यहाँ पर? बहुत ही अच्छा लगता है टूर्नामेंट खेलने में, ये हम लोग अपाड़ा का ही टूर्नामेंट होता है, सब भाई लोग हैं, भाई टूर्नामेंट कराता है सबीर भाई, हम लोगों को बहुत ही अच्छा लगता है खेलने में। फाइनल में हार गए थे, हार गए थे। हाँ, रनर अप। ये तो पाक्सर का स्टील जला, पाक्सर का स्टील जला। इस मतलब भी क्या, तो कौन सा राउंड में हम लोग अभी, कौन सा राउंड अभी? फर्स्ट गेम किसके साथ होगा? पाक्सर का।
मतलब जिसको आपने फाइनल से जिससे हरे थे अभी उसी के साथ आपका टूर्नामेंट होगा, क्या लगेगा इसको, क्या होगा? देखिए इंशाल्लाह। तो सामने वाले टीम को आप क्या कहना चाहते हैं? बस वो लोग भी बेस्ट ऑफ लक, हम लोग भी अच्छा से खेला, जीतते हैं या हारते हैं, हार जीत का खेल है, जो अच्छा खेलेगा वही जीतेगा, चाहे उन लोग खेले या हम लोग खेले। टूर्नामेंट के बारे में क्या कहना? ये टूर्नामेंट बहुत ही अच्छा टूर्नामेंट होता है, 31 साल में एक ही बार होता है, 31 नाइट में।